भगवान भोले की भक्ति का माह सावन मास आज सोमवार से शुरू हो गया। सावन के पहले ही दिन सोमवार होने से भगवान शंकर के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शहर के सभी शंकर मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही लगी रही। श्रावण मास के पहले दिन सोमवार को देखते हुए सभी मंदिरों पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना महामारी के कारण मुंह पर मास्क बांधकर मंदिरों में प्रवेश दिया गया। सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई थी। सिविक सेंटर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा। इसके चलते मंदिर में शिवलिंग की पूजा के लिए लाइन लगाकर श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनुमति दी गई। प्राचीन गढ़ कैलाश मंदिर पर भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था की गई थी। यहां पर भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ पहुँच रही थी। श्रावण मास को देखते हुए शंकर मंदिरों को सजाया भी गया था। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना एवं अभिषेक का आयोजन भी रखा गया था। जावरा में रविवार को एक ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवा रही दुल्हन की दर्दनाक पूर्वक हत्या की जाने का पुलिस ने 4 घंटे में ही पता लगा लिया। हत्या में शामिल 6 आरोपियों को घटना के 6 घंटों के भीतर पकड़ लिया गया। वहीं मुख्य आरोपी को भी 12 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने हत्याकांड का खुलासा करने पर पुलिस टीम को 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी गौरव तिवारी ने इस निशंस हत्याकांड की विस्तार से जानकारी दी। श्री तिवारी ने बताया कि शाजापुर निवासी सोनू यादव का विवाह रविवार को नागदा के युवक से जावरा में होने वाला था। विवाह के लिए मृतका सोनू यादव अपने परिवार के साथ रविवार सुबह ही जावरा पहुंची थी और अपनी छोटी बहन रुचि यादव के साथ मेकअप कराने के लिए आर्निया चौराहे पर स्थित वैनिला ब्यूटी पार्लर पर पहुंची थी। ब्यूटी पार्लर पर मेकअप कराने के दौरान एक युवक वहां पहुंचा और उसने एक बड़े चाकू से सोनू का गला रेत दिया और वहां से भाग गया। घायल सोनू की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई। घटना की प्रत्यक्षदर्शी मृतका की बहन रुचि ने बताया कि हत्या से पहले मृतका के मोबाइल पर एक फोन आया था और सामने वाले ने अपना नाम राहुल बताया था। घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को पता चला कि वारदात करने वाले 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे थे। मोटरसाइकिल का नंबर भी पुलिस को पता लग गया। इसी आधार पर रतलाम के पुलिस आरक्षक अभिषेक पाठक ने उक्त दोनों व्यक्तियों की पहचान पवन पांचाल और राम यादव के रूप में की। आरोपियों की सर्चिंग करते हुए पुलिस ने बंजली हवाई पट्टी के समीप एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम पवन, पिता ईश्वरलाल पांचाल, उम्र 23, निवासी जाटों का वास बताया। पवन से जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने हत्या की पूरी कहानी बताई। हत्यारे राम यादव की शाजापुर निवासी सोनू यादव से सोशल मीडिया पर पहचान हुई थी और जल्द ही यह पहचान प्रेम संबंध में बदल गई। उनका प्रेम संबंध 3 सालों तक चला। इसी बीच सोनू यादव की शादी तय हो गई। जैसे ही यह बात राम यादव को पता चली, उसने सोनू यादव को शादी करने से मना किया, लेकिन जब सोनू यादव ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने सोनू की हत्या की योजना बना डाली। इसके लिए उसने 3 दिन पहले ही ब्रेड काटने वाला बड़ा चाकू खरीदा था। इसके बाद उसने रविवार को जावरा पहुंचकर सोनू की हत्या कर दी। हत्या के मुख्य आरोपी राम यादव की तलाश के दौरान पुलिस को मिली सूचना के आधार पर उसे सांवरिया जी मंदिर के आसपास घूमते हुए पकड़ा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसका मोटिव क्या था? कुल मिलाकर इसका जो मोटिव है कि मृतिका की शादी पहले एक बार हो चुकी थी, 5 साल पहले इसका तलाक हो गया था। उसके बाद से मृतिका और इनकी पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी और ये दोनों आपस में एक दूसरे से लगातार बातचीत करते थे, मुलाकात होती थी इनकी और ये शादी करना चाह रहे थे, लेकिन 5 दिन पहले ही मृतिका ने किसी दूसरी जगह शादी फिक्स हो गई इसकी और उसके बाद से इससे बात करना बंद कर दिया। इस बात की जानकारी जब इसको लगी तो ये अपने साथी जो पवन पांचाल है उसको 3 दिन पहले ही उसको बता दिया था कि या तो इसकी शादी नहीं होगी या फिर मैं इसका मर्डर करूँगा, लेकिन ये जानकारी इसके दोस्त ने किसी से शेयर नहीं किया। इन लोगों ने घटना के 2 दिन पहले ही मार्केट से चाकू खरीदा और उसके बाद फिर सुबह 6 बजे ये दोनों जाकर घटना को अंजाम दिए। तो अभी तक जो पूरा मामला सामने आया उसमें ये प्रेम प्रसंग का मामला लगा है।
प्यार को धोखा दे रहे हैं। यस, उसमें ब्यूटी ने बहुत अच्छा काम किया, थाना प्रभारी और सीएस पंजाब के नेतृत्व में इन लोगों ने बहुत ही तत्परता से कार्य किया है, क्योंकि मामला बहुत सनसनीखेज था। और इसमें देखा जाए तो जो मृतका है वो भी शाजापुर की थी, जिससे शादी हो रही थी, वो भी नागदा के रहने वाले थे। तो हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा ये मतलब अनसुलझा प्रकरण था कि इसमें क्या कौन सा टर्न लेगा, लेकिन इसमें थाना प्रभारी सीएसपी और एसएसपी साहब की तत्परता से ही मामले को सॉल्व किया हम लोगों ने। तो इसमें जरूर इन सभी को प्रदर्शित किया जाएगा, पूरी टीम को। क्वालिटी के आधार पर आप लोग आरोप तक पहुंचे थे या फिर कैसे? आपको इसमें आपको बताना चाहूँगा, टेक्निकल डिटेल्स हम लोग को मिला था। पहला तो सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर ये क्लियर हुआ कि इसमें दो लोग हैं। दूसरा क्या, जो मुख्य आरोपी है उसकी मृतिका है, इसके कजिन ने उसको देखा था क्योंकि वो भी ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी। फिर इसको जिस कॉल मोबाइल नंबर से कॉल आया था उसके बेसिस पर हम लोगों ने ट्रैक किया। तो हम लोग इसके फोटोग्राफ्स आज भी जो फेसबुक पर उपलब्ध है, मोटरसाइकिल नंबर जो था, तो इस पर देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज, साइबर और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर पूरे मामले को ट्रैक किया है। रतलाम जिले में आज दो स्थानों पर लोकायुक्त कार्रवाई हुई। दोनों स्थानों पर लोकायुक्त दल ने पटवारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उज्जैन लोकायुक्त दल की पहली कार्रवाई जिले के आलोट में हुई, जहां पटवारी विजय मुनिया को 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। पटवारी ने यह रिश्वत ग्राम अरावलिया निवासी नेपाल सिंह से पावती बनाने के नाम पर मांगी थी। दूसरी कार्रवाई रतलाम में हुई। रतलाम में कलेक्टोरेट कार्यालय भवन में 10,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी वीरेंद्र सिंह सोलंकी को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी पर आरोप है कि जमीन बंटवारे और नई पापती बनाने के लिए रिश्वत मांगी थी। फरियादी सोहेल खान पिता सरवर खान निवासी मिल्लत नगर उकाला रोड के दादाजी के नाम पर जमात खाने के पास करीब 5 बीघा जमीन थी। उक्त जमीन का सोहेल और उसके 6 भाइयों में बंटवारा हुआ था। बंटवारे के बाद सभी भाइयों की अलग अलग पापतियाँ बनवानी थी। अलग अलग पावतियाँ बनवाने के लिए पटवारी वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने प्रत्येक पावती के लिए 20,000 रुपये की मांग की थी। फरियादी सोहेल ने अपनी पावती के लिए जब बात की तो पटवारी ने 10,000 में पावती बना देने की बात कही। फरियादी सोहेल ने 3 जुलाई को मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस को की थी। सोहेल की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने आज योजनाबद्ध तरीके से सोहेल को रिश्वत की रकम लेकर भेजा। सोहेल कलेक्टोरेट स्थित पटवारी वीरेंद्र सिंह की टेबल पर पहुंचा और उसने 10,000 रुपये पटवारी को सौंपे। जैसे ही रिश्वत की रकम पटवारी को दी गई, लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा। कलेक्टोरेट परिसर के भीतर हुई इस घटना से पूरे कलेक्टोरेट में हड़कंप सा मच गया। ये पटवारी है अपने रतलाम या सिटी के, इनका नाम है सोलंकी जी। तो हमारी जमीन है बाप दादाओं की, 5 बीघा है उकाला रोड मिल्लत नगर पे। तो 5 बीघा है हमारे दादा और उनके 6-7 भैयाओं की। तो बंटवारे हो गए हैं सर, अब तो पावतियाँ वगैरह अलग अलग बनानी है। अब तो पावती बनाने के, अलग अलग पावती बनाने के पैसे मांग रहे 20,000 रुपये, 6 जनों से मांगे इन्होंने। फिर सर मेरी बातचीत हुई, मैंने कंप्लेंट डाल दी सर उज्जैन लोकायुक्त में। फिर उन्होंने मेरे साथ एक रिकॉर्डर दिया था, फिर मैंने इनसे बातचीत करी। मैंने कहा हाँ सर, क्या पैसे का देख लो हिसाब से, ये वो 5,000 रुपये तो 3 तारीख को मेरे भाई ने दे दिए थे, मैंने दिलवा दिए थे। फ़ोन पे बात हुई थी मेरे पास, वो भी रिकॉर्डिंग वगैरह है कि 5,000 रुपये मेरा भाई है नोमान, उससे दिलवा दिए थे मैंने। तो फिर मैं आया वापस उज्जैन होके आया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात, उन्होंने मुझे ट्रैफिक रिकॉर्डर दिया। मैं फ्राइडे को, अभी जो शुक्रवार गया, इसमें यहाँ पर आया तो मैंने कहा सर देख लो, मैंने कहा 5,000 तो दे दिए मैंने, उसके बाद कितने मैं आपको दे दूँ तो हो जाएगा। तो ये कह के नहीं 15,000 रुपये और दे, मैंने कहा 10,000 रुपये और दे दूँगा आप ये कर देना। तो फिर ऐसे फिर मैं वापस, मेरे को बुलाया उज्जैन में, फिर मैं गया 10,000 रुपये लेकर वहाँ पर। फिर उन्होंने उनकी कार्रवाई करी, पाउडर वगैरह सब लगा दिया। फिर आज मैं आया तो कब से मैं वेट कर रहा था इनका। हम लोग उज्जैन से 10 बजे निकल गए थे तो हम तो यहाँ 12 बजे ही पहुँच गए थे यहाँ पर। तो 12 से 1:30 बजे तक इनका वेट किया, फिर ये आए। फिर वापस मेरे पॉकेट में टेप रिकॉर्डर था सोनी का, उनका सर की, उज्जैन लोकायुक्त का, उसमें रिकॉर्डिंग भी करी सर की, ये 10,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ तो ये मेरा काम अब आप कर देना प्लीज़। यहीं पर दिया, यहीं इनके जहाँ टेबल बैठे हुए ना वहीं पर दिया। कस्तूरबा नगर में परिवार के लोगों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने से लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया। कस्तूरबा नगर गली नंबर 10 में स्थित बगीचे में राधा कृष्ण मंदिर के पास शीतला माता के ओटले को तोड़कर मूर्ति हटाने से लोगों में आक्रोश फैल गया।
लोगों के विरोध के बाद औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने यह घटना करने वाले पिता पुत्र और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुख्य आरोपी पोस्ट ऑफिस कर्मचारी है। कस्तूरबा नगर गली नंबर 10 निवासी रमेश चंद धामनिया, उसके पुत्र सोनू और एक अन्य व्यक्ति अर्जुन ने रविवार की शाम को राधा कृष्ण मंदिर परिसर स्थित शीतला माता मंदिर को तोड़ दिया और मूर्तियों को इधर उधर कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने बसंती लाल पिता शांतिलाल जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता पुत्र और एक अन्य व्यक्ति ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए ठेस पहुंचाई है। बताया जाता है कि मंदिर के पास से गुजर रही सड़क के दूसरी तरफ रमेश धमानिया का मकान है और उसका कहना था कि मंदिर के निर्माण से उसके मकान के आगे आड़ हो जाएगी, इसलिए वह मंदिर को नहीं रहने देना चाहता। रहवासियों के अनुसार रमेश धमानिया और उसका परिवार मंदिर में होने वाले भजन कीर्तन को लेकर भी आपत्ति जताते रहे हैं और पूरा मोहल्ला उनसे खासा परेशान है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। धमानिया जी मंदिर के पीछे ही रहते हैं, फिलहाल तो वो अभी यहाँ रहते नहीं है, हमारे यहाँ से चले गए हैं। लेकिन वो और उनके बेटे और उनके भांजे यहाँ आके बेटी और पावड़े से मकान ये मंदिर तोड़ के मूर्तियाँ नीचे गिरा के चले गए। क्या कारण रहा है मंदिर तोड़ने का? उनको दिक्कत हो रही है यही कि हमारे घर के सामने से मंदिर नहीं होना चाहिए, जबकि ये तो गवर्नमेंट सरकारी बगीचा है, बगीचे के अंदर थोड़ा सा मंदिर हो जाए, थोड़ा सा यहाँ बैठने लायक जगह हो जाए, इतना सा कर रहे हैं धीरे धीरे सारे। काफ़ी पुराना मंदिर है? पुराना मंदिर है सर। कितने साल पुराना मंदिर? ये करीब 15 साल पुराना है। ये तो मंदिर बनने के बाद में ये मकान इन्होंने मकान बाद में खरीदे, जब उनको नहीं दिखा है। 50 साल पुरानी है। और भैरू जी तो बहुत पुराने हुए हैं। आज कस्तूरबा नगर गली नंबर 10 में एक शीतला माता का मंदिर है और वहाँ पे कुछ अन्य मंदिर भी बने हुए हैं और वो बगीचे के अंदर बने हुए हैं और मोहल्ले वाले कुछ मोहल्ले वालों में आपस में भी वो है कि ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो फरियादी के द्वारा आज जो खुला होटला है उसके ऊपर एक उस पर एक छोटा सा होटला वो बनाया था, चर्च एक चबूतरा टाइप का तैयार किया था कि ताकि मूर्तियों को छाँव मिल सके, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति थी जिसने वो चबूतरे को तोड़ दिया और कुछ मूर्तियाँ इधर उधर हो गई है। सर कौन है? अर्जुन वगैरह है और धमनिया भी मोहल्ले की हैं और जो मकान मालिक भी है वो उनके खिलाफ हमने 234 आई भी कायमी कर ली है और प्रकरण में उनको राउंडअप भी कर लिया है। प्रकरण में मोहल्ले वाले की शिकायत पर अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है। न्यू रोड पर एक दुकान पर काम कर रहे एक युवक को करंट लग गया जिससे उसकी मौत हो गई। वेल्डिंग मशीन के अर्थिंग से सीढ़ी पर करंट फैलने से यह हादसा हुआ। नेहरू नगर निवासी दीपक सिंह अपनी 80 फीट रोड पर स्थित दुकान को न्यू रोड पर शिफ्ट कर रहे थे। न्यू रोड पर इसका काम चल रहा था। दुकान का कर्मचारी 40 वर्षीय होजेफा बोहरा सहित अन्य कर्मचारी शेड लगाने का काम कर रहे थे। शेड का नाप लेने के लिए होजेफा ऊपर चढ़ा, एक अन्य कर्मचारी ने सीढ़ी पकड़ रखी थी, तभी वेल्डिंग मशीन के अर्थिंग से सीढ़ी पर करंट फैला। करंट फैलने से होजेफा नीचे गिर गया। उसे तत्काल इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इनका नाम होजेफा नाम है, ये भोरा बगल के रहने वाले हैं। एक्रेलिक बोर्ड बनाने का काम करते थे। इन लोगों ने जो है सिविल रोड पर था इनका पुराना कारखाना, उसको शिफ्ट करके न्यू रोड पर लेकर आए थे गुरुद्वारे के सामने। वहाँ पर एक कारखाने का शेड बना रहे थे ये लोग और शेड बनाने में होजेफा जो है एक घोड़ी पे चढ़ के चद्दर का नाप लेने के लिए ऊपर चढ़े हुए थे। उस समय इनके हाथ में करंट लगा, करंट लगने से मृत्यु हो गई। सर कहीं पे काम करते थे? हाँ ये काम करते थे वहीं। ग्राम पलसोड़ी में बीती रात को सड़क पर खड़े मवेशी को बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक पटवारी बसंती लाल और उसका साथी अंकित दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया जहां अंकित के इलाज के दौरान मौत हो गई। पटवारी बसंती लाल इलाज के लिए भर्ती है। बसंती लाल बाजना में पदस्थ थे और बाजना से रतलाम आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। ये रात 10:30 बजे के समथिंग की घटना है। दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से बाजना तरफ से आ रहे थे, जिसमें एक पटवारी है और एक उनका व्यापारी दोस्त था। बाजना से आ रहे थे तो रास्ते में सामने
शायद लाइट पड़ने या मवेशी को अभी प्रारंभिक सूचना तो ये मिली है कि मवेशी को बचाने के चक्कर में बाइक का संतुलन बिगड़ गया जिससे दोनों गिर गए, तो मौके पे जो एक अंकित पिता अभय कुमार सुराना की मृत्यु हो गई है और एक जो दूसरा है पटवारी है वह अभी अपने ICU वार्ड में भर्ती है जो बोलने की स्थिति में नहीं है, उसके होश में आने पे आपको घटना का पूरा पता चल सकता है। सर कहाँ से आ रहे कुछ? ये बाजना से आ रहे थे दोनों। रतलाम आ रहे थे? रतलाम आ रहे थे। हाँ रतलाम। कहाँ के रहने वाले हैं ये? अंकित तो शिवगढ़ का है और जो घायल है वो शुभम श्री कालोनी, ये दोनों रतलाम के निवासी हैं।